नमस्कार जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। झारखंड विधानसभा में मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन था। आज सदन की शुरुआत काफी हल्ला हंगामे के साथ हुई। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि आज भी सदन के बाहर धरना दिया जाएगा, और वही हुआ। सदन के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मांगों के साथ धरने पर उतरे, जहां एक ओर झारखंड बीजेपी के विधायक राज्य में स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं सत्ता पक्ष में मणिपुर का मुद्दा गरमाया हुआ था। सदन के बाहर सत्ता पक्ष के विधायक पोस्टर और इंडिया के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे थे। सत्ताधारी दल के विधायकों ने मणिपुर मामले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारे भी लगाए। पक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर नारा लगाते हुए कहा, तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी सरकार होश में आओ, नरेंद्र मोदी हाय हाय। इसके साथ ही उन्होंने अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग कर दी है। धरने के दौरान जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी केंद्र की सरकार पर आग बबूला होते नजर आए। इरफान अंसारी ने कहा, मणिपुर में आदिवासी बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और भाजपा चुप है। उन्होंने यह भी कहा कि नचनिया लोग देश नहीं चला सकता है। वहीं बीजेपी के विधायकों ने बैनर में लिखा, झारखंडी युवाओं के लिए स्थानीय नीति लागू करो। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने सत्ता पक्ष के इस रवैये को गलत बताया। उन्होंने कहा कि मणिपुर के मामले से हम सभी मर्माहत हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग धरना प्रदर्शन कर इस मामले को और अधिक टेंस बना रहे हैं। केंद्र सरकार इस मामले पर गंभीर है और प्रोएक्टिव तरीके से मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही है। अमर बावरी ने भी सत्ता पक्ष के इस बर्ताव को गलत ठहराया और कहा कि झारखंड में हो रहे आदिवासियों की हत्या पर राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, चाहे वो सुभाष मुंडा की हत्या हो या रूबिका पहाड़िया हत्याकांड। बावरी ने कहा कि मणिपुर का मुद्दा उठाकर सत्ता दल सरकार के मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहा है। वहीं 11 बजे से सदन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। सदन शुरू होने के बाद भी कई विधायक धरने पर बैठे रहे और सदन में नारों के साथ सदन के कार्य में बाधा डालते नजर आए। सदन के अंदर भी भाजपा विधायक ने झारखंड में हो रहे आदिवासियों की हत्या का सवाल उठाया। अमर बावरी ने सरकार से झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा करने का सुझाव देते हुए कहा कि राज्य सरकार अविलंब इस्तीफा दे दे। बगोदर विधायक विनोद सिंह ने आज सदन में राज्य में हो रहे महिला अपराध और सजा की घटती दर को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला अपराध में दोषी पाए गए लोगों में अब तक सिर्फ 25% दोषियों को ही सजा हो पाई है। विनोद सिंह ने महिला थाना प्रभारी की नियुक्ति की भी मांग की है। इस पर संसदीय मंत्री आलमगीर आलम ने सरकार की तरफ से जवाब में कहा कि महिला थाना की संख्या बढ़ाई जाएगी। प्रश्नकाल के बाद सदन आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके पश्चात 12 बजे शून्यकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। शून्यकाल में विधायकों ने अपने क्षेत्र विशेष के समस्याओं को सदन के समक्ष रखा और सरकार से सभी मांगों को पूर्ण करने की मांग की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सदन में बार बार धरना पर बैठे विधायकों को अपना आसन ग्रहण करने की अनुरोध करते नजर आए। शून्यकाल में सरायकेला खरसावां विधायक दशरथ गगराई ने झारखंड में नियोजन नीति लागू करने की मांग सरकार के समक्ष रखी। वहीं जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी ने झारखंड को एजुकेशन हब बनाने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से की है। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने पीडीएस डीलरों के लिए सदन में अपनी आवाज उठाई। इरफान अंसारी ने मांग की कि राशन डीलरों का बकाया कमीशन जल्द से जल्द भुगतान किया जाए और उनका कमीशन 1% से बढ़ाकर 3% तक किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि इन डीलरों के मरणोपरांत उनके बच्चों को भी लाभ मिले। गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने सदन में बेरमो को जिला घोषित करने की मांग की है। इसके साथ ही अन्य विधायकों ने अपनी मांगों को भी सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष रखी। शून्यकाल के बाद वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 11,988 करोड़ का साल 2023-24 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कल यानी 1 अगस्त 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन के आगे की कार्यवाही कल 11 बजे से शुरू होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसका लिंक
डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।